हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी आईक्यू अभिषेक में। और आज आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आया है, जो कि वैकेंसी आई है ECIL इंडिया लिमिटेड में, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में। देखते हैं और आपको बता देता हूँ ये जो वैकेंसी है इनको कैसे अप्लाई करना। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये ई रिक्वायरमेंट पे यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा क्लिक अप्लाई टू ग्रेजुएट इन ट्रेनिंग नोटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी क्या डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम देखते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये इसमें देखिए जो मैकेनिकल की है वो 24 वैकेंसी है, ECE की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 30 है और CSE की 10 और टोटल लगभग 64 वैकेंसी है। और इसमें ये ध्यान रखना, जिसकी भी बीटेक में 65% से एक भी परसेंट नीचे मार्क्स है, 0.9% नीचे मार्क्स है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। और एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है। और हाँ, यहाँ पर क्या नाम है, रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, जैसे जो कैटेगरी वाइज है, जैसे SC ST OBC और EWS का जो भी है रिजर्वेशन, जो भी दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहली बात है कि डुअल डिग्री यहाँ पे नहीं चलेगी, और इसके बाद PG है वो भी नहीं वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक वगैरह वो अप्लाई नहीं करेगा। जिसके बाद डुअल डिग्री जैसे बीटेक प्लस एमटेक जो डुअल कोर्स करता है अप्लाई नहीं कर सकता। और देखिए यहाँ पर ये देखिए, फाइनल ईयर में जो ग्रेजुएशन में वो अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जो मार्कशीट के नाम है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तब उस समय रिजल्ट आएगा तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्क्स दे रखे हैं, क्राइटेरिया बनाया गया है 64.9 एंड नॉट शुड बी राउंड ऑफ 65%। तो आप देख सकते हैं कि 65% मार्क्स से ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। और वही रिलैक्सेशन आपको पता ही होगा, टोटल SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और बाकी के लिए जो भी होता है ST के लिए जो भी रिजर्वेशन है वो एज पर गवर्नमेंट के ऊपर है। स्टाइपेंड देख सकते हैं हम, यहाँ पे स्टाइपेंड एक अच्छा खासा स्टाइपेंड है, 48,160 रुपीज़ पर मंथ। और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे स्टाइपेंड के साथ साथ यहाँ पर आपका एक बॉन्ड भी है, जो कि बॉन्ड है 4 ईयर्स का बॉन्ड है, जिसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग है और 3 ईयर्स का एज ए इंजीनियर आपकी पोस्ट रहेगी। और ये 4 लाख रुपीज़ का बॉन्ड है। और रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और ये देखिए सीट का जो है, और क्वालिफिकेशन आपको टोटल मैंने बता दी। मेथड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो गेट के थ्रू होगा, या तो 2018 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग या 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका गेट स्कोर इसमें वैलिड होगा और 1/5 रेशियो, मान ली मैकेनिकल में 24 वैकेंसी है तो हिसाब से 24 × 5 यानी 120 के आसपास अप्रॉक्स स्टूडेंट जो होंगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल इंटरव्यू आपको दे रखा है, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा जो भी जहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। स्कोर कार्ड आपके गेट के स्कोर कार्ड लगेगा। और बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए आपको बताई दिया 6/12 से लेकर 4/1 जनवरी में क्या नाम है आपका होगा, मतलब 4/1 तक अभी डेट है इसकी। और एप्लीकेशन फी 500 रुपीज़ है और बाकी SC ST के लिए एक्सक्लूडेड है, मतलब इनकी फीस नहीं जाएगी। और ऑनलाइन मेट के थ्रू ही हम पेमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको दे रखा है ऑनलाइन पेमेंट का लिंक भी दे रखा है। और बाकी इसमें सिग्नेचर और फोटोग्राफ नॉर्मल जैसे बाकी फॉर्म्स में लगते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा काम। और बाकी जो आपको बताना था मैंने आपको टोटल बता दिया है। और यहाँ पे क्या नाम है, आप बाकी देख सकते हैं कि वही मेन चीज़ है कि आपकी परसेंटेज 64.99 भी है तो भी आप एक्सक्लूडेड होंगे, आप इंक्लूडेड नहीं करे जाएंगे, तो अगर इतना ध्यान रखना है। बाकी टोटल पोस्ट जो है अच्छी पोस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं, जो 2019 का गेट देने वाले हैं या 2018 में इनका अच्छा स्कोर है, इसमें अप्लाई जरूर करें। एंड फ्रेंड, ही तरीके के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कभी भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।